से स्नैक कैचर। आज मैं एक जो बूढ़ा सांप होता है वो अभी मैंने निकाला है तो उसने मुझे काट लिया है। तो फ्रेंड मैं हूँ राम विश्वास स्नैक कैचर। तो फ्रेंड आज एक ऐसा वीडियो आया है जो कि एक स्नैक एक्सपर्ट है जिसको स्नैक बाइट हुआ है और बंदे को बाइट होने के बाद बंदे ने ये भी बोल के गया है कि मेरे जैसा मैंने जैसा गलती किया है आप लोग मत करिए, ऐसा करके बंदे ने बोल भी दिया है। तो चलो जाते जाते एक अच्छा सुझाव भी देखे गया है, चलो इससे दूसरे को भी कभी वो फ्री हैंडलिंग करेगा तो उनको भी पता लग जाएगा वो वीडियो देख के कि हाँ किसी भाई को स्नैक बाइट हुआ था और उसने जाते जाते ये भी बता के गया कि हाँ तो ऐसी गलती ना करे कि आपको भी काटे, ठीक है ना, मौत भी हो जाती है। तो ऐसी गलती से बचे फ्रेंड को वहीं पे रिलीज कर भी दिया है। तो फ्रेंड मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इस वीडियो को मैसेज द्वारा आप लोगों तक पहुंचना। जैसे स्नैक कैचर आज मैं एक जो बूढ़ा सांप होता है वो अभी मैंने निकाला है तो उसने मुझे काट लिया है, ठीक है ना। तो अभी मैं उसको वापस मैं रिलीज करने जा रहा हूँ। तो ऐसी गलती ना करे कि आपको भी काटे, ठीक है ना। तो ऐसी गलतियों से बचे फ्रेंड, ठीक है ना, वरना माइंड। तो ऐसी आप गलती नहीं करें, ठीक है ना, ऐसे आप गलती ना करें, ठीक है ना फ्रेंड। छोड़ दे, 4 से 5 फुट का एक कोबरा है जो अभी आपके सामने मैं जो रिलीज करने जा रहा हूँ। बंदे तो इसीलिए पहुंचाना है क्योंकि जैसा कि उस वीडियो में आप पूरा करीब से देखिए कि बंदे को किस प्रकार से जो हाथ पर इस साइड वाइट हुआ है और वो बंदा ये भी बता रहा है कि एक बूढ़ा कोबरा है। तो बंदा ये भी बता रहा था कि 6 साल का एक्सपीरियंस है उनका, तो 6 साल का एक्सपीरियंस हाँ हो सकता है उनका कि 6 साल का एक्सपीरियंस था। बट बात ये है कि चाहे सर्कस वाला जितना भी पुराना हो कभी ना कभी इत्तेफाक से उनसे भी चूक हो जाता है और वो जैसा कोई बाइक स्टैंड कुछ भी हो सर्कस में भी चूक हो जाता है। कभी कभी उसका अपने पालतू शेर भी उन्हें काट लेता है और सांप तो पालतू तो होता नहीं है। कोई बात नहीं, चलो उन्होंने भी बहुत सारे लोगों का जान बचाया, हर घर घर गया, सांपों को रेस्क्यू किया, तो मुझे भी गर्व है उस पर। तो फ्रेंड इस वीडियो में को देखने के बाद कभी ऐसा गलती आप लोग मत कीजिए। अगर आपके आसपास सही कोई रेस्क्यूअर भाई है तो उनको आप ज़रूर कॉल करें ताकि आपके घर में सांप किसी भी हालत में भी हो सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई चूहा बिल्ली से भी उनका सामना हो जाता है जिसके कारण वो घर पे घुस जाता है और वो बहुत ही आक्रामक होता है और उसे टच करने के बाद, क्योंकि गुस्सा में पहले ही होता है और टच करने के बाद इससे स्नैक बाइट भी हो सकता है। तो फ्रेंड मेरा वीडियो बनाने का मकसद मैंने आपको बता दिया और बात बाकी है, हमारे भारत सरकार से छोटा सा विनती है कि लोग मंगल ग्रह तक पहुंच जा रहे, इतने पैसा खर्चा कर रहा है लेकिन हमारे यहाँ पे आए दिन भारत में लमसम 5,000 लोगों की तो मौत हो ही रहा है। लेकिन हर जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है तो हर जगह एंटीवेनम की सुविधा अगर हमारे सरकार करवाएंगे तो हमारे लिए बहुत बेटर होगा, इससे हमारा देश का भविष्य।